अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आपको चिकन मोमोज बनाना सिखाऊंगी, जो कि न्यू रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये देखें फाइनल लुक, बहुत ही अमेजिंग। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने जो है, आप लोग देख सकते हैं, आटा मैंने गूंथ लिया था। इसमें मैंने नमक 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिए थे और 1 कप मैदा ले लिया था। इसके अलावा अब हम लोग इसकी मिक्सिंग तैयार करेंगे। बॉयल आलू ले लिया और बॉयल किया हुआ चिकन ले लिया। आलू अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल दें, वरना सिर्फ चिकन भी डाल सकते हैं। इसके अलावा टमाटर डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया और प्याज को भी हम चॉप करके इसमें डाल देंगे। ठीक है, तमाम ये चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। हसबे जायका हम लोग इसमें डाल देंगे नमक, और इसमें थोड़ा सा खुशबू के लिए थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पाउडर भी डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बग़ैर टाइम ज़ाया किए मैंने इसकी जल्दी से मिक्सिंग कर दी है। अब हम जो है इसको बेलेंगे। जो हम लोगों ने आटा गूंदा था, पहले हम लोग खुश्की डालेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे गूंद लेंगे। ऐसे आप लोगों ने इसको हाथ की मदद से ऐसे बढ़ा देने हैं और इसके छोटे छोटे हिस्से आप लोगों ने काट देने हैं और फिर उनके हम लोग बनाएंगे पेड़े। ठीक है, आप लोगों ने इसके छुरी की मदद से इसको ऐसे काट देने हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने काट देना है और इसी साइज़ के, अगर आप लोग बड़े बनाना चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी साइज़ के आप लोगों को पेड़े बना के दिखाती हूँ। ऐसे तमाम पेड़े मैं ऐसे तैयार कर लूँगी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो तमाम पेड़े मैं इस तरीके से तैयार कर लूँगी। तमाम पेड़े मैंने तैयार कर दिए हैं। अब हम इन पेड़ों को दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे और एक पेड़ा मैंने दे दिया, इसको थोड़ी सी मैंने खुश्की लगा ली और थोड़ा सा इसको बेलेंगे। इसको आप लोगों ने बारीक बेलना है, ठीक है, मोटा नहीं बेलना। ऐसे आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से बेल देना है। आप लोग चाहें तो इसको हाथ से भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आप इसको हाथ से भी बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने बढ़ा दिया है और इसमें हम लोग जो मसाला हम लोगों ने तैयार किया था वो डाल देंगे ऐसे। ठीक है, और एक साइड को पकड़ेंगे और इसको ऐसे साथ साथ जोड़ते जाएंगे, दूसरी साइड को उसी किनारे के साथ जोड़ेंगे। ऐसे आप लोगों ने इसको किनारे किनारे को पकड़कर ऐसे आप लोगों ने जोड़ते जाना है। इसको बहुत मजबूती से ये जुड़ जाएंगे, ऐसे आप लोगों ने इसको जोड़ देना है। और माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं, एक तरीके से मैंने तैयार कर लिया मोमोज़ को। अब दूसरा तरीका आप लोग देख लें, दूसरे पेड़े को मैंने बेल दिया और इसको हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसको ऐसे फोल्ड करना है। देखें ये दूसरा तरीके से भी हो गया। आप लोग को जो शेप पसंद हो आप लोग वही शेप बना सकते हैं। तमाम जो है मैंने बेल के इनको तैयार कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल है और 20 मिनट में ये हमारे तैयार हो जाएंगे। उसके लिए मैंने एक जाली वाला बर्तन ले लिया, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें रख देंगे ये मोमोज़ को। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको रख देना है ऐसे। ठीक है, एडजस्ट करके आप लोग एक ही जगह पर इसको एडजस्ट करके रख सकते हैं। ऐसे मैं एडजस्ट करके इनको रख देती हूँ ऐसे। ठीक है, तमाम को मैं एडजस्ट करके रख देती हूँ। तमाम मैंने इसमें रख दिए हैं। अब एक पतीले में मैंने पानी ले दिया है और इसमें मैंने स्टैंड को रख दिया है। देखें, ये ख्याल रखें कि स्टैंड आपका थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। अब इस पर मैं इसको रख दूँगी और 20 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे।
20 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। आप लोग देख सकते हैं हमारे जो हैं चिकन मोमोज बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। इसको मैंने निकाल दिया एक प्लेट में, फ़ाइनल लुक आ चुकी है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वॉच करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।